मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी वीडियो का आगाज मिस्टर मोदी जी से करना चाहूंगी। मिस्टर मोदी जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जो इतने बड़े डेमोक्रेटिक 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर आप रूल कर रहे हैं, यू आर अ किंग ऑफ द स्टेट, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको सुकून से नींद आ जाती है? इतने मासूम लोगों की सिसकियां, उनकी आहें, क्या वो आपको सोने देती हैं? आप सुकून से सो पाते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने लोगों का की तस्वीरें देख रही हूँ, मैं उनकी सिर्फ तस्वीरें देख रही हूँ, और मुझे मैं आज 25 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ सिर्फ तस्वीरें देख के। तो मोदी जी, आपको इन सब मजलूम लोगों को कत्ल करवाने के बाद कैसा फील होता है? कैसा, किस तरह का सुकून आपके दिल में आता है? आपको क्या फील होता है? क्योंकि आप तो इसी एजेंडे पे आए हैं, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड यू आर मिस्टर मोदी। यू आर अ किलर ऑफ अ नेशन। आप एक कौम को खत्म करना चाह रहे हो, एक कौमियत को खत्म करना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर पीस ऑफ लैंड। अपनी हरकतों से बात आ जाए। ये जो आपने गुंडा बरदार फौज खड़ी कर रखी है, जो कि रातों को घुस के हमारी औरतों की बेहरमती करते हैं, हमारे नौजवानों का कत्लेआम करते हैं, ये बंद करवाओ। ये गुंडा राज, ये जंगल राज बंद करवाओ। आप इस टाइम 18वीं सदी में नहीं बैठे हुए हो। मीडिया हर चीज इस चीज को हाईलाइट करती है। आपका क्या ख्याल है कि आप दवाइयां बंद कर दोगे, उन लोगों को दवाइयां नहीं पहुंचने दोगे, उनको फूड नहीं पहुंचाओगे, तो वो लोग चुप करके घरों में बैठ जाएंगे? रातों को आप जो है घरों में छापे डलवाओगे, तो वो लोग आपको जो है आके वहां पर सलामियां पेश करेंगे? फॉर गॉड सेक मिस्टर मोदी, अपनी आर्मी को लगाम डालो अपनी आर्मी को। ये जो तुमने छोड़ के रखे हुए हैं पालतू कुत्ते, ये एक दिन तुम्हें ही काटने को दौड़ेंगे। तो खुदा के लिए अभी भी संभल जाओ और ये सब कत्लेआम बंद करवाओ कश्मीर में। इंसानों के ऊपर तुम रूल कर रहे हो, इन्हीं इंसानों की वजह से तुम्हें कुर्सी मिली हुई है। मत नाजायज फायदा उठाओ। सबको पता था कि मोदी किस एजेंडे पर आ सकता है। And you have proved that you are a terrorist. You are a terrorist and you are on a agenda to kill innocent people. अपने लोगों को नहीं बख्शते हो तो हमें क्या बख्शोगे? आप तो अपने लोगों को नहीं बख्शते हो तो हमें क्या बख्शोगे? और मैं आजाद कश्मीर के लोगों से कहना चाहती हूं कि खुदा के लिए अब तो सुधर जाओ। क्या नजर नहीं आ रहा आप लोगों को किस चीज में आप पड़े हुए हो? कौन सी आजादी आप लोगों को मिली हुई है जो आप इतना इतरा रहे हो कि जी हम आजाद हैं, और कश्मीरियों को आप बोलते हो कि वो गद्दार हैं? वो कौमें मस्क हो जाती हैं, जो अपनी पहचान भूल जाती हैं, जो गैरों की दिए हुए छोटे से स्टेटस को जो है वो एक्सेप्ट करके अपने आप को जो है गुलामी में कैद करवा लेते हैं। मत पढ़ो वक्ती उसमें मत पढ़ो। ये नस्लें, ये कश्मीर की नस्ल खत्म हो जाएगी और कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। लोग कौमें वो होती हैं जो अपने इकदार की, अपनी रिवायात की हिफाजत करती हैं। एक कौम बनो। कश्मीर की तारीख हजारों साल पे मुहित है, उसको 64-65 साल की तारीख मस्क नहीं कर सकती, और ना हम मस्क होने देंगे, ना मैं मस्क होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक कश्मीर की एक एक बेटी, एक एक बेटा जो कि कश्मीर की तारीख को खत्म नहीं होने देंगे, हम कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर आजाद था, आजाद रहेगा, और हम आजादी लेके रहेंगे। उसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, और हम उन कुर्बानियों के ऊपर, उस खून के ऊपर हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। और जो सौदेबाजी करेगा तो उसको हम अपने हाथों से इस दुनिया से मिटा देंगे, इस सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो खुदा के लिए अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आजाद कश्मीर के लोगों, आपके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप क्या समझते हो कि चने की दाल के पैकेट और आटा भेज के जो है आप लोगों का फर्ज खत्म हो जाता है? प्रोटेस्ट करके, नारेबाजी करके आपका फर्ज खत्म हो जाता है? नहीं। एक कौम बनो, अपने लोगों को, अपने बच्चों को खड़ा करो, उनको यूनाइट करो,
उनको समझाओ कि हमारी तारीख क्या थी, हमारे साथ कहां पे क्या हुआ, हमारी तारीख को कैसे हाईजेक किया गया, हमें डिवाइड कैसे किया गया। अपने बच्चों को बताओ मत पढ़ाओ मुताला पाकिस्तान और मुताला इंडिया, मत पढ़ाओ उनको, उनको अपनी हिस्ट्री पढ़ाओ। उनको बताओ कि हम लोग क्या थे, हमारी ट्रेडिशंस क्या थी, हम लोग कौन सी कौम है। हमने गुलामी ना कभी सही है ना कभी सहेंगे। गुलामी जिनका शेवा था गुलामी उन्हीं को सजती है।